इसके बाद देखिए आपका जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो मेरे ख्याल से आपने जो एक्सरसाइज लगाई है उससे आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव किस तरीके से बनाया जाता है और नेगेटिव किस तरीके से बनाया जाता है। अब आज का जो टॉपिक है वो है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। हालांकि मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को आपको अलग से पहले समझा चुका हूं, लेकिन चूंकि एक बार में सारी बातें ठीक से नहीं आ पाती, इसलिए मैं आपको वही चीजें क्लियरली एक दो बार और बताऊंगा। उससे क्या होगा कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएंगी, और दूसरा आपके अंदर जो थोड़ा सा ये लगता है कि नहीं हमें ये चीज क्लियर नहीं है, तो वो आपको अगर अच्छा हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, जिससे आप इंटरोगेटिव बनाने में कभी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। सबसे पहले जैसा कि आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था कि इंटरोगेटिव दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट जिसे मैंने वहां नाम दिया था यस नो टाइप इंटरोगेटिव, कम से कम नाम नाम तो आप लोगों को याद रहा ही होगा, और मैंने यह भी बताया था कि इन्हें यस नो टाइप इंटरोगेटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका उत्तर हम हाँ या ना में दे देते हैं, इसलिए इनको यस नो टाइप इंटरोगेटिव कहते हैं। जैसे मैंने आपके सामने कहा कि क्या तुम रोज सुबह 4 बजे उठते हो, अगर मैंने कहा कि आप इसका उत्तर दीजिए तो आप इसका उत्तर या तो हां दे देंगे या ना दे देंगे, बाद बाकी आपको कुछ नहीं कहना, तो इसलिए इन्हें यस नो टाइप इंटरोगेटिव कहते हैं। हालांकि ये कि आप लोगों को यह बता दिया गया होगा कि जिनमें प्रश्न सूचक शब्द पहले आता है, कुछ लोग इसे ऐसे भी जानते होंगे, या कुछ लोगों को यह बता दिया होगा कि वे इंटरोगेटिव जो केवल हेल्पिंग वर्ब से बन जाते हैं, तो वो भी एक तरीका है कि आप चलो वो मालूम है, लेकिन मेन आपको इसको समझना है, क्योंकि अब आपको इनका नाम जानना है, आपको बुक में यही नाम मिलेंगे। तो यस नो टाइप इंटरोगेटिव इन्हें क्यों कहा गया, क्योंकि इनके उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हैं। अब बात आती है इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की, तो मैंने जैसा आपको बार बार बताया है कि मेन चीज आपका रीजन जो सॉरी स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है, सब्जेक्ट लगाते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इसके बाद मेन वर्ब लगाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और उसके बाद अदर वर्ब्स लगाते हैं। हम क्या करते हैं कि इसी स्ट्रक्चर से सारे स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब हमें इंटरोगेटिव बनाना है तो मेन चीज क्या फोकस रखनी है कि इंटरोगेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन। इस पर आपको फोकस रखना है कि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट जब आपस में पलट जाते हैं, इन्वर्जन का मतलब पलटना, कर्ता सहायक क्रिया की जगह पे पहुंच जाता है और सहायक क्रिया कर्ता की जगह पे पहुंच जाती है, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी और सब्जेक्ट पीछे पहुंच जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हमें पता है इस टेंस की कि डू और डज होती है, तो इसका मतलब कि डू और डज तो आगे आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो ये इन्वर्जन हो गया। जैसे सब्जेक्ट पहले था, उसकी जगह पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई ये, और सब्जेक्ट बाद में आ गया। इसके बाद जो मेन वर्ब जो भी होगी सेंटेंस में आपकी वही रहेगी, लेकिन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां लग रहा है। जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा वो भी वही रहेगा, और जो सेंटेंस में अदर वर्ड्स होंगे वो भी वही रहेंगे, केवल लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क अपनी ओर से और लगाना होगा। तो इस टाइप से आपका ये स्ट्रक्चर बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए। अब जो भी सेंटेंस आपके सामने रखा हुआ है, आप उस सेंटेंस में पहले चीजें पहचाने और इसमें रख दें। चीजें पहचानने के लिए मैं आपको क्लियरली बता ही चुका हूं कि सबसे पहले काम पहचाने, उठना काम है, उससे पूछे कौन उठता है, तो आपको उत्तर मिला तुम, क्या उठते हो नहीं मिला, किसे उठते हो नहीं मिला, इसका मतलब ऑब्जेक्ट है नहीं। इसके अलावा जो बचे वो अदर वर्ड्स हैं, ठीक। तो पहले हम इन्हीं चीजों को रख लें, क्या कि अंग्रेजी हमें लगाने की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए आप लोगों को यह पढ़ा दिया जाता है कि जो सहायक क्रिया से बनते हैं, क्योंकि इसमें सहायक क्रिया पहले आ रही है, और इसकी इंग्लिश हमें नहीं लगानी, क्योंकि इसकी जो अंग्रेजी होती है वो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे रखने से निकल जाती है, तो इसलिए इसकी इंग्लिश लगाने की जरूरत नहीं है, केवल हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रख दें। तो हेल्पिंग वर्ब यहां सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखेगी, सब्जेक्ट आपका क्या है, यू, यू बहुवचन है तो यू के अकॉर्डिंग आपने लगा दी डू। इसके बाद मेन वर्ब लगा दीजिए।
मुख्य क्रिया यहाँ क्या है? उठना। उठना के लिए गेट अप लगाएंगे, ठीक। मुख्य क्रिया के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है कर्म। कर्म चूंकि इस सेंटेंस में है नहीं, तो इसके बाद आपको कर्म ये छोड़ देना है। उसके बाद आप लगाएंगे अदर वर्ड। अदर वर्ड यहां क्या है? रोज सुबह 4 बजे, समझ में आ गया नहीं? तो सबसे पहले छोटा समय 4 o'clock, रोज सुबह के लिए डेली इन द मॉर्निंग। और लास्ट में जाके आपको ये क्वेश्चन मार्क लगा देना। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी यस नो टाइप इंटरोगेटिव मिलता है तो आप उसे बड़ी आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। बिल्कुल भी ये दिमाग में नहीं रखें कि मर गए, ये इंटरोगेटिव आ गया, इसमें हमें और ज्यादा दिक्कत आएगी। चलिए एक सेंटेंस और देखिए। सेंटेंस आपके सामने, क्या वह पाठ की नकल करता है? तो इसका भी अगर आप उत्तर हाँ या ना में देंगे तो दे देंगे, इसका मतलब ये भी यस नो टाइप इंटरोगेटिव हो गया। पहले अगर शुरू में दिक्कत आ रही है तो आप स्ट्रक्चर से करिए, लेकिन धीमे धीमे आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि ये यस नो टाइप है, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है, ठीक। तो सबसे पहले करता, नकल करना आपकी क्रिया है, इससे पूछेंगे कौन नकल करता है, तो वह, और क्या नकल करता है, तो पाठ की। क्या नकल करता है? तो पाठ को नकल करता है। हाँ, जैसे यहां एक चीज और ध्यान रखनी है कि क्या के उत्तर में आपकी वस्तु होगी और किसे के उत्तर में व्यक्ति होगा, ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वह के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो वह मतलब ही। अब वह पाठ की नकल करती है तो लड़की हो जाती, तो सी लगा देते। अगर वह पाठ की नकल करता है तो लड़का है, तो ही लगा दिया। ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो क्या लगेगी? डज और उसके बाद ही। मेन वर्ब आपकी क्या है? नकल करना, तो उसके लिए आप लगाएंगे कॉपी। तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, और इसके बाद ऑब्जेक्ट पाठ की, द लेसन, और लास्ट में जाके आपको ये क्वेश्चन मार्क लगा देना। तो ये हो जाएगा डज ही कॉपी द लेसन। चलिए एक और देखिए। सेंटेंस है आपके सामने, क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो, ठीक। इसमें आपको थोड़ा सा और समझना है किस तरीके से, वो देखिए। देखिए इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव निगेटिव ज्यादा अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इंटरोगेटिव में करते हैं वही इंटरोगेटिव निगेटिव होता है। दो प्रकार के इंटरोगेटिव होते हैं, तो नोट अगर आ जाएगा तो उसका कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। कैसे, वो आप देखिए यहां। जैसे मैंने अभी आपको बताया था सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नोट लगता है। इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेते हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब जब यहां से हटके आगे पहुंच जाएगी तो नोट कहां रह जाएगी? नोट रह जाएगी आपकी सब्जेक्ट के बाद। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर इंटरोगेटिव के साथ में निगेटिव भी है तो नोट आपकी कहां हो जाएगी? सब्जेक्ट के बाद। तो इस तरीके से आप इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो मुख्य क्रिया देखेंगे, बोलना, कौन बोलता है? तुम। और क्या बोलता है? झूठ, ठीक। सबसे पहले कर्ता के अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो यू करता है, और यू के अनुसार आप लगाएंगे तो डू लग गया। बाकी में नहीं भी आया है, और नहीं की अंग्रेजी कर्ता के बाद होती है, कहां? इंटरोगेटिव निगेटिव में। अगर केवल निगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब यहां होती है जो इंटरोगेटिव में इस जगह से हट जाती है और यहां आ जाती है, तो इसलिए नोट
सप्ताह के बाद रह जाती है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, डू यू नॉट आपका लग गया, इसके बाद आप क्या लगाएंगे, जैसे यहां देखिए सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब थी, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लगेगा, नॉट लग गया तो मेन वर्ब लगेगा, मेन वर्ब क्या है आपका, बोलना, बोलना की अंग्रेजी आपने लगाई टेल, इसके बाद क्या लगेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका क्या है झूठ, ए लाई, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपका कि डू यू नॉट टेल अ लाई, क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको यस नो टाइप इंटरोगेटिव मिलता है तब आप उसे किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इसके बाद वो देखिए जैसे आप लोग डबल इंटरोगेटिव कहते हैं या इंटरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड के नाम से हम जानते हैं। तो इसके बाद जो दूसरा इंटरोगेटिव है जिसे आप लोग डबल इंटरोगेटिव भी कहते हैं, या आप इसे दूसरा नाम भी देते हैं इंटरोगेटिव, विद क्वेश्चन वर्ड, तो इसको ये नाम भी हम देते हैं। क्लियर, इसमें मेन आपको ये याद करना है कि ये इसमें होता क्या है, पहले तो आपको वो समझना है। तो पहले मैं आपके सामने एक सेंटेंस दे रहा हूं जिससे आप ये समझ जाएंगे कि इसमें आपको क्या करना है। जैसे मैंने आपको सेंटेंस दिया कि तुम वहां रोज क्यों जाते हो, तो ये एक ऐसा सेंटेंस है कि अगर आप इसका उत्तर हाँ या ना में देना चाहें तो दे नहीं सकते, क्योंकि इस सेंटेंस में उसने ये कह दिया आपसे कि तुम वहां रोज क्यों जाते हो, तो आपको इसमें जाने का रीजन बताना पड़ेगा, जाने का कारण देना पड़ेगा। इसीलिए इसे यस नो टाइप इंटरोगेटिव के अलावा डबल इंटरोगेटिव क्यों कहते हैं और इंटरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड क्यों कहते हैं, ये मैं अब आपको बताऊंगा। जब आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो अभी जो आपका अफर्मेटिव वाला जो रूल था वो क्या था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ब, ये आपका मेन रूल है। इसी रूल से हम लोग इंटरोगेटिव बनाते हैं, इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, इनका इन्वर्जन कर देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब आ गई पहले, सब्जेक्ट हो गया उसके बाद, इसके बाद आपका आ गया मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड, और ये आ गया आपका क्वेश्चन मार्क। लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में आता है जिसका आंसर आपको देना है, तो जिस क्वेश्चन वर्ड का, तो एक तो इंटरोगेटिव ये हो गया कि हेल्पिंग वर्ब जैसे ही पहले आई तो सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव हो गया। लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है हिंदी वाले वाक्यों में, तो हमें उसका उत्तर देना होता है, उस वर्ड का उत्तर देना होता है। जैसे जब आप ये पूछते हो कि तुम कहां जाते हो, तो यहां आपको उत्तर काय का देना है, कहां का देना है, यानी जगह बतानी। जब तुम ये पूछते हो कि तुम कब जागते हो, तो यहां उत्तर आपको काय का देना है, कब का देना है, मतलब टाइम बताना है। जब तुम ये पूछते हो कि तुम वहां क्यों जाते हो, तो इसका उत्तर आपको क्यों का देना है, और क्यों का मतलब इसका कारण बताना है। तो जब भी क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में आता है, जैसे क्या ही बीच में आ जाए, तुम क्या खाते हो, तो इसमें आपको वाक्य का कर्म बताना है। समझ में आया कि नहीं, तो ये मेन बात आपको समझनी है। क्वेश्चन वर्ड को आपने जितने अच्छे से समझ लिया, अंग्रेजी की बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ये केवल रटने की चीज नहीं है, इसे समझिए। जैसे वैन जब लगाया जाता है तो हमें काय का उत्तर देना है, तब हमें टाइम बताना होता है। आप ऐसा करते भी हैं लेकिन कभी दिमाग में सोचते नहीं है, इसलिए कभी थोड़ा सा चेंज होके भी अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे कर नहीं पाते। जैसे कभी कभी आ जाता है कि मेक ए क्वेश्चन विद वैन, कि आप इसे वैन से प्रश्नवाचक बना दीजिए, आपसे बनता ही नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वैन काय के लिए लगता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इन पे थोड़ा सा गौर करते रहिए। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि तुम वहां रोज क्यों जाते हो, तो आपको ये तो पता है कि ये इंटरोगेटिव हो गया, लेकिन थोड़ा ये भी सोचिए।
इंटरोगेटिव तो हो गया, लेकिन हमें इसमें उत्तर देना काय बात का है, ये भी सोचते रहिए। तो जब भी आपको क्वेश्चन वर्ड बीच में मिलता है, हालांकि क्वेश्चन वर्ड बहुत है, मैं आपको अगर इकट्ठे लिखाऊंगा तो उनका कोई फायदा भी नहीं होगा, एक एक करके आपको सेंटेंस में सारे क्वेश्चन वर्ड इस तरीके के सेंटेंस यूज करूंगा कि उनमें धीमे धीमे करके सारे क्वेश्चन वर्ड आ जाएंगे, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए यहां हमें क्यों का उत्तर देना है, तो हमें सबसे पहले इस क्यों को हेल्पिंग वर्ब से पहले भी लगाना होगा। तो अब ये आपका जो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ गया, तो एक तो ये क्वेश्चन वर्ड से इंटरोगेटिव हो रहा है और दूसरा ये इंटरोगेटिव हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, इसलिए इसका नाम दिया जाता है डबल इंटरोगेटिव। दूसरा इसे ये भी कहते हैं कि इंटरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड की वजह से माना जा रहा है, तो इसलिए इसका दूसरा नाम दे दिया इंटरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड। अब आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट उसी तरीके से करेंगे, सबसे पहले आप जाना मेन वर्ब हो गई, कौन जाता है तुम जाते हो, क्या जाता है नहीं मिला, किसे जाता है नहीं मिला, कहां जाता है अगर पूछा जाएगा तो वहां है, क्या और किसे का उत्तर नहीं है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा उसे सबसे पहले लगाएंगे, तो क्योंकि अंग्रेजी शायद ज्यादातर लोगों को पता होगी, जिनको नहीं पता वो याद करें वाई। इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है, तो हेल्पिंग वर्ब वाले कॉलम में आप डू डज में से कोई एक भरेंगे, लेकिन डू डज कर्ता को देख के आती है, कर्ता आपका क्या है यू, कर्ता से पहले लगती है पर कर्ता को देख के लगती है, तो यू के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे तो डू लगेगा। इसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, तो जाना की फर्स्ट फॉर्म आप रखेंगे तो गो हो जाएगी। इसके बाद आपको अदर वर्ड लगाने हैं, टाइम लास्ट में लगाना है, तो अदर वर्ड में आपका वहां हो गया, वहां की अंग्रेजी आप देयर लगाएंगे, और इसके बाद रोज लगा देंगे डेली। देयर भी आप समझ लीजिए, देयर आपके पास दो होते हैं, एक तो टी एच दे का देयर होता है, इसको याद रखिए इस ई से, समझ आया कि टी एच ई वाई जो होता है उसका टी एच ई आई आर होता है, और एक देयर वहां होता है, तो हियर यहां तुम्हें याद रहता है, इसी में टी लगा दीजिए, तो ये यहां का वहां हो गया, तो ये हियर का देयर हो गया और ये अपना देयर दे का देयर हो गया, तो ये दोनों थोड़े से याद करिए। तो इस तरीके से अगर आपके सामने कोई डबल इंटरोगेटिव आ जाता है तब आप उसे बड़ी आसानी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि यस्नो टाइप इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव में कोई खास अंतर नहीं है। वो बात अलग है कि आप अपने दिमाग में बेकार का कोई कंफ्यूजन बना लें कि नहीं साहब ये बड़ा टिपिकल होता है, इसे करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो बात एक अलग है, अदरवाइज इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे आपको ये लगे कि नहीं साहब ये बड़ा कठिन होता है। जैसे एक सेंटेंस और देखिए, वह तुम्हें क्या पढ़ाता है, जो अभी इससे पहले मैंने क्या बीच में लिया था, सॉरी पहले लिया था, अब इसी क्या को मैंने बीच में ले लिया, बीच में लेने से अंतर क्या आ गया कि अब हमें इसका उत्तर यस या नो में जो दे रहे थे वो नहीं दे पाएंगे। अब आप यहां देखिए, आपको इसके उत्तर में जो बताएंगे वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा, कैसे होगा वो भी समझिए। जैसे अगर इसकी जगह मैं ये कहता कि वह तुम्हें हिंदी पढ़ाता है, ये बहुत बहुत बारीक चीजें हैं, इन पे आपने अगर कमांड कर ली तो आप अंग्रेजी में बिल्कुल वीक नहीं रहेंगे। जैसे मैंने कहा कि वह तुम्हें हिंदी पढ़ाता है, इस सेंटेंस में मैं सारी चीजें पहले आपको बताऊं, पढ़ाना क्रिया हो गई, कौन पढ़ाता है वह हो गया, क्या पढ़ाता है हिंदी हो गया, तो ये हिंदी जो है वो क्या का उत्तर हुआ, किसे पढ़ाता है तुम्हें, तो ये जो हुआ वो किसे का उत्तर हुआ। अब मैंने कहा कि ये इंटरोगेटिव ये है कि वह तुम्हें क्या पढ़ाता है, तो ये जो क्या शब्द आया वो इस सेंटेंस में देखिए किसे हटा के आया, हिंदी।